ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज नागपंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन मैं आपको कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी सिद्धियां दूंगा जिससे कि आप अपना कोई भी काम सफल कर सकते हैं, और इस प्रयोग को करने से आपको उम्र भर के लिए कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। आपने जिस काम में हाथ डाल दिया वो सफल होके ही रहेगा। और इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए होगा काले धतूरे का फूल या फिर अपराजिता जो लता होती है उसका फूल। इन दोनों को अगर आप अर्जित करने में सुगमता से उस फूल को हासिल कर सकते हैं तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना ये है कि अपराजिता की जो लता होती है उसका फूल या काले धतूरे का फूल, इन दोनों में से यथासंभव जो भी आपके पास हो उसको आप अर्जित कर लीजिए, और उसके बाद आज के दिन या हर दिन ये प्रयोग कीजिए तो इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। क्या होता है कि जो क्लिटोरिया होती है, अंग्रेजी में अपराजिता की लता को क्लिटोरिया कहा जाता है, तो इसके जो फूल होते हैं इनमें बहुत पुरानी धार्मिक मान्यता है कि इसको यदि आप भोलेनाथ को सुबह सुबह चढ़ाते हैं तो आपके जितने भी जन्म जन्मांतर के विकार हैं, जो भी आपके रोग हैं, वो सब दूर होकर ये आपको एक आभा, एक कांति, एक लावण्य देता है जो कि आपको दूसरे लोगों से भिन्न कर देता है। प्रभु की कृपा आप पर सीधी आनी शुरू हो जाती है। यदि ये प्रयोग आप करते हैं तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। आपको करना क्या है कि रोज़ सुबह एक अपराजिता का फूल आपको भोलेनाथ पर चढ़ाना है। इससे होगा ये कि भोलेनाथ जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और ये बहुत ही गुप्त प्रयोग है जो कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप ये कर सकते हैं। एक काला धतूरा या फिर अपराजिता, ये दो फूल हैं। इन दोनों फूलों से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आज जो है, आज वसंत पंचमी का दिन है, माफ़ कीजिएगा, नाग पंचमी का दिन है, तो आप आज के दिन ये कर सकते हैं। आज के दिन शुरू कीजिए तो भोलेनाथ जो है अपनी कृपा आप पर अवश्य बरसाएंगे। और पहचाने कैसे कि अपराजिता की लता है या कोई और है, तो ये देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें आपको वो लता दिखेगी और वो फूल दिखेंगे। इसको पहचान लीजिए। ये आपको किसी भी नर्सरी में, किसी भी कोई भी ऐसा कोई उद्यान हो, कोई ऐसा जो है आपका कोई दोस्त हो जिसके पास ये लता हो, तो वहाँ से आप इसके बीज ले आइए। इसके मटर जैसे दाने होते हैं वैसे ही इसके दाने निकालिए और उसको लगाइए, या फिर बेल भी ला सकते हैं। और उसके बाद आप प्रतिदिन ये जो अपराजिता का फूल है ये भोलेनाथ पर चढ़ाइए। इस पुष्प का नाम अपराजिता इसलिए पड़ा था क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपराजिता के फूल को भोलेनाथ को चढ़ाता है तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाता। ये बहुत पुरानी मान्यता है और लुप्त हो गई थी, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसको कीजिएगा तो आपके सोए हुए भाग जाग जाएंगे। आपको बस अपराजिता का फूल भोलेनाथ पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ा देना है। इससे आपके सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9998416125 पर। धन्यवाद।